हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ से लेकर एट्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 651.2 डिवाइडेड बाय 4, यानी हमें 651.2 को डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे। जब हम ये डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 6512 और अपॉन में 10 आएगा। ये 10 इसलिए आया क्योंकि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। ये डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया और ये 4 भी यहां पर एज इट इज आ गया। अब ये 6512 अपॉन 10 तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा, और इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है 4, इसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स 1/4। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में है 6512 और यहां डिनोमिनेटर में है 4। 6512 और 4, इन दोनों को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं। तो हम इन दोनों ही नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 × 4, ये 4 तो कट गया। अब हम 6512 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 × 4, अब 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 × 5 = 25 होता है। 4 × 6 = 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 × 1 = 11 होता है। 4 × 8, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 × 2 = 32 होता है। 4 × 8 = 32। तो इस तरह से 6512 भी 4 से कट गया है और यहां न्यूमरेटर में आ गया है 1628। ये कटिंग कैसे हुई है स्टूडेंट्स, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। हमने 6512 को 4 से डिवाइड किया है। देखिए 4 × 4, तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 × 5 = 25 होता है। 4 × 6 = 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 × 1 = 11 होता है। 4 × 8, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 × 2 = 32 होता है। 4 × 8 = 32। तो इस तरह से 6512 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिला 1628, यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब हम 1628 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 1628। यहां अपॉन में 10 है और यहां अपॉन में 1 है, 10 × 1 = 10 होता है, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब हमें मिल गया है 1628/10। अब हम 1628 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 10 है, हम इस 10 को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये 10 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो 1628 को तो यहां पर हमने एज इट इज लिख दिया, और ये डेसिमल जो यहां लास्ट में था, ये यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो जब हमने 651.2 को डिवाइड किया 4 से, तो हमें आंसर मिला है 162.8। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 14.49/7, यानी हमें 14.49 को डिवाइड करना है 7 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे। जब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1449 और अपॉन में आएगा 100। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया और ये 7 भी एज इट इज आ गया। अब ये 1449/100 यहां पर एज इट इज आएगा। इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है 7, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/7। तो यहां पर हम 7 का रेसिप्रोकल 1/7 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में है 1449 और यहां डिनोमिनेटर में है 7,
1449 और 7 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 वन दा 7, ये 7 तो कट गया। अब हम 1449 को भी 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 7 टू द 14, ये 14 तो कट गया। अब इसके बाद बचा है 4। अब ये 4 तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें इससे अगला नंबर भी कैरी करना पड़ेगा। तो जब बिना 4 को काटे आप अगला डिजिट कैरी कर रहे हैं, तो यहां पर इस नंबर को ना काटने की जीरो लगती है। ठीक है, अब ये नंबर बन गया 49, और 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है? 7 पे, तो 7 7 द 49। तो जब हमने 1449 को 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 207। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ न्यूमरेटर में है 207, यहाँ है 1। 207 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 207, और डिनोमिनेटर में यहाँ 100 है, यहाँ 1 है। 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100। तो अब हमें मिल गया है 207/100। अब हम 207 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता, तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाएंगे, तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 207 हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा, और ये डेसिमल जो पहले यहाँ लास्ट में था, ये यहाँ से 2 डिजिट को क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब हमने 14.49 को डिवाइड किया 7 से, तो हमें आंसर मिला है 2.07। अब हम 7th पार्ट को सोल्व करेंगे। 7th पार्ट में हमें दिया गया है 3.96/4, यानी हमें 3.96 को डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे स्टूडेंट्स। जब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 396, और अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया कि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। जब राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं, तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया, ये 4 भी एज इट इज आ गया। अब ये 396/100 यहाँ पर एज इट इज आ गया है। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है 4, 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। यहाँ पर हमने 4 का रेसिप्रोकल लिखा 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में है 396, यहाँ डिनोमिनेटर में है 4। 396 और 4 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 वन द 4, ये 4 तो कट गया। अब हम 396 को भी 4 से काटेंगे। 4 9 द 36 होता है, 39 में से 36 गया, 3 बचा। 3 और 6 36 होता है, तो फिर से देखिए 4 9 द 36। तो जब हमने 396 को 4 से डिवाइड किया, तो हमें मिला है 99। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में 99 है, यहाँ 1 है। 99 × 1 99 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 99 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ 1 है। 100 × 100 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो हमें मिला है 99/100। अब हम 99 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम इन दोनों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता है, तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब डिनोमिनेटर से हम 2 जीरो हटाएंगे, तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 99 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, और ये डेसिमल जो यहाँ लास्ट में था, ये यहाँ से 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 दिखा सकते हैं। तो जब हमने 3.96 को डिवाइड किया 4 से, तो हमें आंसर मिला है 0.99। अब हम 8th पार्ट को सोल्व करेंगे। 8th पार्ट में हमें दिया गया है 0.80/5, यानी हमें 0.80 को डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे।
जब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 80 और अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जब दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है राइट से और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया और ये 5 भी एज इट इज आ गया। अब ये 80 अपॉन 100 यहाँ पर एज इट इज आ गया है। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है 5, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो यहाँ पर हमने 5 का रेसिप्रोकल 1/5 लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 80 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। 80 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 80 और 5 को 5 से ही काटेंगे। तो देखिए 5 वन द 5, ये 5 तो कट गया। अब 80 को भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 वन द 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 एंड 0 30 होता है, 5 सिक्स द 30। तो जब हमने 80 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला 16। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में है 16 और यहां पर है 1, 16 इंटू 1 16 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ 1 है, 100 इंटू 100 होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब हमें मिल गया है 16/100। अब हम 16 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 है, हम इन दोनों 0 को यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में देखिए कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 2 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 6 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल जो पहले यहाँ लास्ट में था, ये यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 दिखा सकते हैं। तो जब हमने 0.80 को डिवाइड किया 5 से तो हमें आंसर मिला है 0.16। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।